गुड मॉर्निंग बच्चों, अब तक हमने आ से रू तक की मात्रा वाले शब्द सीखे हैं। आज हम कविता रीड करेंगे जिसका नाम है सूरज। आओ पढ़े आ ई उ पर आधारित कविता, यानी इसमें आ से लेकर उ तक की मात्रा आएगी। चलो पूरब, देखो इसमें उ की मात्रा है ना। पूरब से जब निकला सूरज, यानी पूर्व दिशा से क्या निकला, जब सूरज, सुबह सूरज निकलता है ना, कौन सी दिशा में से निकलता है, पूरब से। तो पूरब से जब निकला सूरज, चिड़िया चहकी बगिया महकी। चिड़िया, देखो इसमें ई की मात्रा है ना और इसमें आ की मात्रा। चिड़िया चहकी बगिया महकी, चिड़िया गुनगुनाती है और बाग बगीचे महक जाते हैं। रात का राजा छुप गया जाकर, रात का राजा यानी कौन, चंदा। सुबह होती है तो सूरज निकलता है और चांद चला जाता है, तो रात का राजा छुप गया जाकर, यानी रात का जो राजा यानी चंदा वो छुप गया। सुनहरी धूप ने चादर बिछाई, सुनहरी धूप यानी ये देखो ऐसे सूरज निकलता है तो पूरे आकाश में सुनहरा दिखाई देता है ना, पीला पीला। तो सुनहरी धूप ने चादर बिछाई, प्रभात देखकर चिड़िया चहचहाई। प्रभात यानी सुबह, सुबह देखकर चिड़िया होती है वो सब क्या करती है, चहचहाती है यानी गुनगुनाती है। सुबह होते ही सब चिड़िया गुनगुनाने लगती है। किरण किरण धरती पर आई, यानी सूरज की जो किरणें निकलती है वो धरती पर आई। झन झन ने फिर ली अंगड़ाई, झन झन यानी लोग, लोगों ने फिर अंगड़ाई ली। सुबह होते ही सब लोग जग जाते ना, वैसे ही। भागा झाड़ा दूर गया, भागा झाड़ा यानी अंधेरा दूर हो गया है, भाग गया है। धूप में देखो सब खिल गया, धूप यानी सुबह जो सूरज की धूप आती है किरणें, वो उसको देखकर सब खिल गया यानी सब जग गए, खिल गए। तो फिर से चलो रीड करेंगे। पूरब से जब निकला सूरज, चिड़िया चहकी बगिया महकी। रात का राजा छुप गया जाकर, सुनहरी धूप ने चादर बिछाई। प्रभात देखकर चिड़िया चहचहाई, किरण किरण धरती पर आई। झन झन ने फिर ली अंगड़ाई, भागा झाड़ा दूर गया, धूप में देखो सब खिल गया। ओके बच्चों, ये सूरज है, ये उसकी किरणें हैं, ये चिड़िया है, ये बादल है, ये पेड़ है, ये घर है। ओके बच्चों, तो आपको भी ऐसे कविता रीड करनी है जिसमें आ से उ तक की मात्रा वाले शब्द है। थैंक यू बच्चों। अब आगे कहानी भृगु ऋषि। ऋषि एक था जिसका नाम था भृगु, उसकी कहानी हम सुनेंगे। आओ पढ़े आ ई उ रु पर आधारित कहानी। इन शब्दों में आ से रु तक की मात्रा वाले शब्द है और इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। भृगु एक महान ऋषि था। भृगु नाम का एक ऋषि था, वो कैसा था, महान था। वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे। वन यानी जंगल, वो कहाँ रहते थे, जंगल में। ये देखो ये जंगल है। कुटिया बनाकर रहते थे, कुटिया यानी ये छोटी सी झोपड़ी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, कुटिया। वो कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया के बाहर अनेक मृग खेलते रहते थे।
जो उनकी झोपड़ी थे उनके बाहर अनेक मृग मृग यानी हिरण वो खेलते रहते थे। मृगों को तृण खाना बहुत अच्छा लगता था। मृगों को क्या खाना अच्छा लगता था? तृण खाना, घास खाना अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ एक घुड़सवार आया। घुड़सवार यानी घोड़ा, घोड़ा पर सवारी करके एक दिन वहाँ आया। वह घुड़सवार किसी देश का महान रूप था। वो घोड़ा सवार था, ये घोड़ा सवारी घोड़े के ऊपर बैठा है ना, उसको घुड़सवार कहते हैं। तो वो एक किसी देश का एक महान रूप था। रूप यानी राजा। वो कौन था? एक महान राजा था। वह भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके गृह पर आया। वह जो भृगु, ये ऋषि है ना, उनका नाम क्या है? भृगु। तो वह भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर, प्रशंसा यानी तारीफ सुनकर, उनसे मिलने यानी उसको मिलने उनके गृह पर आया। गृह यानी घर, उनके घर पर आया। नृप का नाम कपिलेश्वर था। ये नृप है ना, राजा जो घोड़े पर बैठा है, उनका नाम क्या था? कपिलेश्वर। भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार किया। ये भृगु ऋषि है, उसने वो राजा का आदर सत्कार किया, उसका सम्मान किया। खाने के लिए कंदमूल फल दिए। खाने के लिए क्या दिया? उसको फल दिए। नृप भृगु के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न था। जो नृप नाम का राजा था वो भृगु ऋषि के ऐसे व्यवहार से बहुत खुश था, प्रसन्न यानी खुश। भृगु ऋषि ने नृप से उनके आने का कारण पूछा। ऋषि ने राजा से यहाँ पर उनके आने का कारण पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। नृप ने बताया कि उसे एक मृग की आवश्यकता है। राजा ने क्या कहा? कि उसे एक मृग यानी हिरण चाहिए। ऋषि की कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे मृग अटखेलिया कर रहे थे। ऋषि की कुटिया यानी ऋषि की जो झोपड़ी थी उसके बाहर वृक्ष यानी पेड़ के नीचे मृग यानी हिरण अटखेलिया कर रहे थे यानी खेल रहे थे। भृगु ने नृप को उनमें से कोई भी मृग लेने के लिए कहा। राजा ने, भृगु ऋषि ने राजा से क्या कहा? कि आप इनमें से कोई भी मृग ले लीजिए। नृप ने एक मृग लिया, राजा ने एक हिरण को लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। वो ऋषि के चरण छुए और अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। तो ये थी भृगु राजा की कहानी। बाद में क्या है देखो, दिए गए पाठ में रू वाले शब्द पर गोला एवं उ वाले शब्द पर सही का निशान लगाओ। तो चलो अब हम इसमें से ढूंढेंगे कि रू की मात्रा कहाँ पर है और उ की मात्रा कहाँ पर है। तो देखो, भृगु, तो इसमें रू की मात्रा भी है और उ की मात्रा भी है। तो पहले उसमें हम सर्कल करेंगे और उसके नीचे राइट करेंगे। एक महान ऋषि थे। ऋषि, इसमें देखो रू की मात्रा है ना, तो इसमें हम सर्कल करेंगे। वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे। कुटिया, तो इसमें उ की मात्रा, इसलिए इसके ऊपर हम राइट करेंगे। उनकी कुटिया, फिर से कुटिया आया, तो इसमें भी हम ऐसे राइट करेंगे। के बाहर अनेक मृग खेलते रहते थे। मृग, मृ, तो देखो रू की मात्रा ही ना, तो इसलिए इसमें सर्कल करेंगे। मृगो, तो इसमें भी सर्कल। को, तृण, तो इसमें भी सर्कल। खाना बहुत अच्छा लगता था। बहुत,
तो इसमें भी सर्कल करना है। हाँ सॉरी, मैं इसमें करना भूल गई, आपको भी इसमें सर्कल करना है। अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ एक घुड़सवार आया, तो इसमें टिक करना है। वह घुड़सवार, इसमें भी टिक करना है। किसी देश का महान रूप था, तो रूप में भी सर्कल करना। वह भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके ग्रह पर आया, तो भृगु, तो इसमें सर्कल और टिक। ऋषि, इसमें सर्कल। सुनकर, इसमें टिक। उनसे मिलने उनके गृह, तो गृह में सर्कल। ऐसे आपको यहाँ पर रूप में भी सर्कल करना है। भृगु में सर्कल और टिक करना है। ऋषि में सर्कल, रूप में सर्कल, यहाँ पर भी सर्कल, यहाँ पर सर्कल और टिक। तो ऐसे ही आपको अच्छे से इसमें से देखकर फिलअप करना है। तो आपको ये समझ में आ गई कहानी? ओके बच्चों, तो ऐसे आपको घर पर रीड करना है और इसको अच्छे से फिलअप करना है। थैंक यू बच्चों।